हेलो गाइस, मैं मंजू सिद्दीकी। आज आप लोगों के लिए गाइस मैं बताऊंगा कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में। जो मेरे पास सॉफ्टवेयर हैं, बेसिक 6 सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉफ्टवेयर से, जो मेरा ब्लेंडर है। गाइस इसके मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक से गाइस आपको एडवांस में लेके चलूंगा। जस्ट लाइक फर्स्ट मेरा है ब्लेंडर। अभी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ किस किस तरीके के मेरे पास सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स हैं। फर्स्ट मेरे पास ये है, ये 3D सॉफ्टवेयर है गाइस। हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं गाइस, शिफ्ट के साथ हम इसको करते हैं अपने, ठीक है, शिफ्ट के साथ राइट मोड पर्सन से बटन से काम करते हैं। और हम गाइस इसको चेंज भी कर सकते हैं कंट्रोल आल्ट यू के साथ में। गाइस आप आओगे, यहाँ ऐड ऑन आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ इनपुट आ रहा है, तो इनपुट को आप सेट कर लीजिए लेफ्ट के बजाय, आप राइट से भी वर्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं। और उसके बाद गाइस हमारे पास इसकी एडिट कर सकते हैं। मैं तो बेसिकली गाइस कंट्रोल लेफ्ट मोड बटन एंड मिडल माउस से अपना मूव करता हूँ और राइट मोड बटन से काम करता हूँ। एज ए बेसिक माया की तरह मैं वर्क करता हूँ, मैं इसकी प्रीसेट चेंज नहीं करता, ठीक है गाइस। सेकंड सॉफ्टवेयर मेरा गाइस है गेम, जो एज ए फोटोशॉप की तरह काम करता है। जस्ट लाइक फोटोशॉप में हमने यहाँ से लिया एक गाइस, बनाया न्यू फाइल, ली न्यू फाइल से मैंने क्या किया, मुझे कोई सिलेक्शन बनाना है, ठीक है, एज ए सिलेक्शन बनाया मैंने गाइस, ठीक है, इसका देख रहे हैं। उसके बाद मैंने गाइस इसको कलर किया, कोई सा भी कलर आप फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। इसके लिए मैंने कलर फिल किया, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल लेकर हमारा जो है इसका हटाना है सिलेक्शन हमारे लिए, तो हम सिलेक्शन के अंदर आते हैं, सिलेक्शन के अंदर से हम हटा सकते हैं इसका, ठीक है। और उसके बाद गाइस मेरे पास कई ऑप्शन ऐसे हैं, नन कर देते हैं, हमारा नन हो गया। उसके बाद गाइस हमारे पास मिलता है ब्रश टूल, ठीक है, इनकी बाकी बात जो है हम बाद में करेंगे, किस तरीके से इनको शेयर करते हैं हम, किस तरीके से इनकी इसमें डिजिटल पेंटिंग करते हैं, सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसमें कंट्रोल जैसे गाइस सारा की सारा बैक होता है, और हमारा जो है माया के अंदर, सॉरी उसके फोटोशॉप के अंदर गाइस हमारा होता है कंट्रोल आल्ट से। तो गाइस ये है मेरे पास फोटोशॉप, मुझे किस तरीके से इसकी पेंटिंग करनी है, किस तरीके से क्या करना है, तो ये सारी की सारी बातें इस लाइक, ठीक है। ओपन सोर्स गाइस बहुत ही यूज़ होता है हर जगह, मैंने खुद ही देखा है। मैं भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में ही जो है सबसे ज़्यादा वर्क करता हूँ, इसी पर ही अपने गेम है मेरे पास, और गाइस ब्लेंडर है, इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं गाइस, जिस लाइक, ठीक है। तो मैंने गाइस इसको बनाया यहाँ एंड इसको लाया, ठीक। तो एज ए एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए दे दिया। उसके बाद गाइस पेंट टूल है हमारे पास, किस तरीके से हमें पेंट टूल से इसका सिलेक्शन बनाना है, हम सिलेक्शन किस तरीके से बनाएंगे, क्लिक करो यहाँ, ठीक है, और ढेर सारी बातें हैं। लासो टूल है हमारे पास, ठीक है, मुझे लासो टूल से इसको मैंने ऐड किया, सिलेक्शन बन गया। मूव करना है मुझे गाइस यहाँ से इसके लिए, तो मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो है गाइस इसे मेरे पास मूव करना है, मैंने इसको मूव करना है, ठीक है, तो मूव कर लिया। फिल्टर्स हैं गाइस इसके अंदर, इमेजेस हैं, ट्रांसपेरेंट है, डुप्लीकेट है, बहुत ढेर सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, इतना तो फोटोशॉप के अकॉर्डिंगली बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर से। तो गाइस हम चलते हैं सीधा अपने कंट्रोल शिफ्ट से, नन हो जाता है ये, ठीक है। एंड अब मेरे ये दो सॉफ्टवेयर हो गए। उसके बाद गाइस मेरे पास आता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, किड लाइव। तो गाइस इसमें हम क्या करते हैं, हमें किसी को वीडियोस को एडिट करना होता है, तो हम यहाँ पर अपने किसी भी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं भी देखता हूँ मेरे पास फोल्डर्स में किसी में एक वो वीडियोस पड़ी है, मैं सॉन्ग निकाल लेता हूँ कोई, ठीक है, जस्ट लाइक मेरे, हेलो, ठीक है, ये है मेरे पास, जस्ट लाइक मेरे पास एक वीडियोस है, यही मैंने इस वीडियोस को लिया देन प्ले किया यहाँ से और चेक किया, और अब फुर्सतगंज से बंटी, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। मुझे इसको कट करना है कहाँ से, प्रीमियर प्रो की तरह, तो मैंने यहाँ कट किया गाइस, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, मुझे इफेक्ट डालना है गाइस, तो मैं यहाँ इफेक्ट भी डाल सकता हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इफेक्ट्स मेरे पास कुछ आ रहे हैं, ये हैं इससे, ठीक है, डिस्टॉर्शन है मेरे पास और इफेक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ इफेक्ट भी लगा सकता हूँ अपने। और उसके बाद प्ले करते हैं गाइस यहाँ से फिर दोबारा, और ठीक है,
एंड प्ले करते हैं यहाँ से अपने इस पार के लिए, सीधा यहाँ लाए। ठीक है ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी वीडियो एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग करने के बाद गाइस हम चलते हैं अब सीधे अपने नेशन के अंदर, जो नेटवर्न हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, ये है मेरे पास। तो गाइस मैंने यहाँ अपनी कोई वीडियोस ले ली, जैसे लाइक यही वीडियोस जो मेरे पास है, मैंने इसके एक दूसरा वीडियोस ले लिया, ठीक है ये वीडियोस लिया और मैंने यहाँ इसको इंपोर्ट कराया और यहाँ से इसका व्यू सेट कर दिया। ठीक है फुल्ली गाइस ये जो है प्रीमियर प्रो है, सॉरी मेरा न्यूक है, तो मैं निक के अकॉर्डिंग यहाँ वर्क कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर कोई कलर का अपना वर्क करना है या मुझे एक्स वाई जेड टेक्सचर जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। यहाँ आओ, इसको मैंने सेट किया, मेरे पास ये सेट हो गया। ठीक है मुझे कलर चेंज करना है इसका, तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। देखिए गाइस ये है एज लाइक एंड जस्ट लाइक। ठीक है मुझे ट्रैकिंग करनी है गाइस, तो मैं ट्रैकिंग भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे वर्क करेंगे। अब ऑडिशन का ऑडियो की बात करते हैं गाइस, ऑडियो के लिए हम लोगों के लिए चाहिए होता है, तो हमारे पास ऑडिशन है यहाँ। जैसे मैं इसको ही लेता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, हेलो 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 हेलो, तो ये देखिए गाइस, तो मैंने इसको लिया और यहाँ पर स्टॉप किया, देन फिर प्ले करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपके लिए, करता हूँ हेलो 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 हेलो। अब मुझे इसको हेलो 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 इसकी हेलो हेलो उसको कम करना है या बढ़ाना है, तो यहाँ आते हैं इफेक्ट के अंदर, यहाँ एम्पलीफाई कर देते हैं हम। ठीक है देन चेक करता हूँ हेलो 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 हेलो, तो ये देखिए गाइस, तो मैंने इसको, ठीक है तो मेरे पास ऑडियो के लिए ये है सॉफ्टवेयर। एंड एक सॉफ्टवेयर मेरे पास है LMM, ठीक है इसमें गाइस क्या है, हम म्यूजिक भी बना सकते हैं अपना एज लाइक, ठीक है एज ए डेमो मेरे पास जो है क्रिएट हुआ, मैं उस डेमो को आपको सीन दिखा देता हूँ। जैसे FL Studio, ओके तो गाइस इस तरीके का हम अपना कोई इफेक्ट बना सकते हैं, खुद अपने आप से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये है गाइस मेरे पास यहाँ की विंडो इसकी, तो मैंने क्या किया यहाँ इस विंडो को लिया, ठीक है और थोड़ा सा पीछे किया, इसको हटाया। ठीक है एक काम करते हैं गाइस, न्यू फाइल ले लेते हैं, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लिया मैंने, मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट है ये, और मैंने यहाँ 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 एज लाइक एज ए रफली आइडियाज से मैंने लगाया और क्लिक किया। ठीक है जहाँ जहाँ मेरी कीज लगी होंगी वहाँ वहाँ ये प्ले करेगा। ठीक है तो गाइस यहाँ चेक कर लो, ये देखिए मैं यहाँ पर और भी ऐड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। इस लाइक मैंने इसको लिया गाइस और यहाँ मुझे कहीं डालना है तो मैं यहाँ पर ऐड भी कर सकता हूँ। यहाँ से आओ मिनी इनपुट या आउटपुट आपको जो भी चाहिए यहाँ पर प्लेस कर लीजिए तो प्लस हो जाएगा, यहाँ के ये वाले प्लस हो जाएंगे, आपके माइनस करना है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ठीक है एंड यहाँ एक और आ गया, ओके एंड यहाँ से ले लेते हैं कोई वीडियो से इफेक्ट, टर्न ऑन रिकॉर्डिंग है या मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, हेलो। ठीक है तो यहाँ कंट्रोल प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी, क्लिक करो गाइस इसको बंद करते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं हमारे लिए, बेसिक हम स्टार्ट करते हैं आज ब्लेंडर। ओके छोड़िए इसको, ओके तो मेरा ये ब्लेंडर है गाइस, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास। ठीक है तो गाइस मेरे पास टूल्स है, फर्स्ट वाला ये मेरी टाइमलाइन विंडो है गाइस, यहाँ पर जो दिख रही है आप लोगों के लिए। ठीक है पेंसिल बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये है गाइस मेरे पास टाइमलाइन विंडो। ठीक है
एंड गाइस ये जो है मेरे लिए दिख रहा है, ये इसका थोड़ा सा स्टॉक बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये है गाइस यहाँ पार्ट, इतना दिख रहा है आपके लिए। ये मेरा टूल पैलेट है गाइस, मेरे लिए टूल मेन्यू यहाँ पर भी मिलता है, ठीक है। ये उसके बाद गाइस हमारे लिए क्रिएट मेन्यू जो है हमारा वो यहाँ मिलता है, ठीक है। मैंने यहाँ से अपना क्रिएट मेन्यू लिया, ये है जैसे मुझे प्लेन बनाना है आपका, या मुझे यहाँ बॉक्स बनाना है इज लाइक ये है गाइस मेरे पास बॉक्स, इससे बनाना है, सर्कल बनाना है या स्फीयर बनाना है, यू भी स्फीयर बनाना है, जो भी आपको एक्स वाई जेड बनाना हो वो आप बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 2D जो हमारे पास कर्व आते हैं, ये कर्व के लिए मिलती है हमारे लिए विंडो, ठीक है, कर्व के लिए विंडो मिल जाती है हमारे लिए। उसके बाद गाइस हमारे लिए यहाँ पर स्नैपिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ से गाइस ये स्नैपिंग के हमारे हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस ये जो बचे हमारे पास, ठीक है, ये मूवी एंड कैमराज के हैं, जो हम माया के अंदर से कहते हैं प्लस, ठीक है, उसका क्या नाम है मैं भूल गया, अभी बताता हूँ आपके लिए, प्ले ब्लास्ट के लिए यूज़ होता है। और गाइस ये हमारी लेयर्स हैं, ठीक है, ये लेस के लिए यूज़ होता है हमारा। एंड गाइस ये है हमारे पास, ठीक है, तो इनके लिए हम बाद में बात करते हैं। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट मेन्यू है, एडिट मेन्यू एंड ऑब्जेक्ट मेन्यू। तो गाइस मैं दिखाता हूँ यहाँ एडिट मेन्यू के अंदर हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, ठीक है। ये देखिए अभी केवल एक ही है, सिलेक्ट करते हैं उसके बाद देखिए, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ, यहाँ से हमारी जो है समथिंग एज लाइक, एंड यहाँ पर आते हैं और इसको दिखा दूँ। तो ये टेक्सचर पेंट वेट है आपका, वर्टेक्स पॉइंट है, स्क्रिप्ट है हमारे पास, एडिट मेन्यू है, ऑब्जेक्ट है। तो ये गाइस सारे के सारे वर्क मैं आप लोगों के लिए बताऊँ किस तरीके से काम करता है। ये रिलेशंस का है हमारे पास, किस तरीके से ग्रुप बनाना है, किस तरीके से हमें एक्टिव करना है, किस तरीके से रिमूव करना है। एनिमेशन का पार्ट है ये, बेक किस तरीके से करना होता है हमारे लिए। फिजिक्स है गाइस एज लाइक, जिस फिजिक्स कहते हैं हम पार्टिकल्स के लिए, तो हाँ इसमें फ्लूड इफेक्ट बहुत प्यारा होता है। ग्रीस पेंसिल है, ये ग्रीस पेंसिल जो इस टाइम का इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो ग्रीस पेंसिल मुझे यहाँ पर भी मिल जाती है। ये देखिए मुझे कुछ भी बनाना हो, ठीक है, फिर क्लिक किया एंड क्लिक, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लिक भी कर सकता हूँ। और गाइस इसको मुझे इरेज करना है तो यहाँ से मैं इरेज भी कर सकता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं एज लाइक, थोड़ा ब्रश बड़ा कर लेते हैं इसका, ओके गाइस। अब चलते हैं गाइस अपने पार्ट की तरफ सीधा। इसमें क्या है गाइस, सबसे पहले हमारा टूल्स यूज होता है, उसका नाम है मूव टूल, ठीक है, जो आता है गाइस जी से, ठीक है। मूव टूल आता है गाइस हमारा इसमें जी से, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है रोटेट टूल गाइस, ठीक है, जो रोटेट करता है हमारा लिए, ये वाला जो पार्ट है हमारे, तो मुझे इसको रोटेट करना है ऐसे, तो ये आता है गाइस मेरे पास आर से, ठीक है गाइस, आर मेन्यू से आता है। उसके बाद गाइस मुझे इसको स्केल करना है यहीं पर एज लाइक, ठीक है, इसको स्केल करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और स्केल किया, ठीक है। स्केल मेरा जो है गाइस आता है मेरा एस से, ठीक है, सॉरी एक बार मिटा देता हूँ गाइस, दोबारा फिर बताता हूँ मैं। ये है जी गाइस, ये है आर एंड ये है एस, ठीक है, जी फॉर मूव, मूव टूल एंड आर फॉर रोटेट, ठीक है, एंड गाइस कलर चेंज कर लेता हूँ, और एस फॉर गाइस स्केल, ठीक है, स्केल, ठीक है। तो इन सारी बातों को हम याद रखते हैं और चलते हैं गाइस आगे। उसके बाद गाइस हमारे लिए एक टूल मिलता है और, ठीक है, इसको मुझे डिलीट करना है, डिलीट की दबाऊंगा और यहाँ पर
आ जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं गैस और एक्स की दबाते हैं, एक्स की से भी यही काम होता है। ठीक है, इन चीज़ों का याद रखना है क्योंकि अभी तो बेसिक चल रहा है, जब मैं आपको एडवांस बताऊंगा तो ये टूल्स बहुत ही यूज़ होंगे। ठीक है, शॉर्टकट की का मैं बहुत यूज़ करता हूँ। ठीक है, ओके गैस, यहाँ पर मेरी कोई अभी पैडल नहीं आ रही, तो यहाँ एन से जो है मेरी प्रॉपर्टी मिलती है गैस। ठीक है, मुझे इसका जो है रोटेट करना है, कितना लोकेशन पे लेके जाना है, ये देख रहे हैं आप, ये मेरे 3D कर्सर का है और ये मेरा है क्लिप का है, कितनी क्लिपिंग होनी चाहिए मेरी, ये जो मेरी व्यू की क्लिपिंग है यहाँ एज ए कैमरा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इनको हम सॉल्व कैसे कर लेते हैं वो यहाँ से सारी की सारी पार्ट्स आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता चला जाऊँगा, परेशान मत होइए आप लोग। उसके बाद गाइस मुझे इस कैमरे की जो है इसका जो है मुझे मूव करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो ऐसे स्केल किया। ठीक है, अब मैं गाइस अपने इस पार्ट को लेके चलता हूँ आगे के लिए, इसको मुझे गाइस एक्सट्रूड करना है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ। तो गाइस इसमें सबसे पहले कंट्रोल टैब प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ ये कंट्रोल सॉरी ओनली टैब गाइस सॉरी सॉरी ओनली टैब प्रेस करना पड़ेगा गाइस। यहाँ सबसे पहले एक मूव टूल लो, ओनली टैब प्रेस किया, ये आया मेरे पास, मैंने फिर टैप प्रेस किया तो वापस आ जाऊँगा, टैप किया तो गाइस टैप से क्या है इसमें आता है एडिट मोड। ठीक है, टैप से एडिट मोड, एडिट मोड। ठीक है, उसके बाद गाइस इसके अंदर आता है मेरा शिफ्ट टैप से। ठीक है गाइस, ये है, इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं और यहाँ आते हैं गाइस दोबारा, और कंट्रोल टैब है मेरे पास, तो ये आता है मेरे लिए जिसे कहते हैं हम प्रॉपर्टी, एडिट मोड की प्रॉपर्टी। ठीक है गाइस, तो एडिट मोड में प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, एज लाइक इसको यहाँ से हटाते हैं, पेंसिल ले लेते हैं गाइस। ठीक है, और इसका जो है स्ट्रोक छोटा कर लेते हैं, एडिट मोड एडिट। ठीक है, एडिट मोड में की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, तो वो आती है हमारी कंट्रोल टैब से, कंट्रोल CTRL प्लस टैब। ठीक है, उसके बाद गैस इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो प्रॉपर्टी हमारे लिए मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए वर्टेक्स में जाना है। ठीक है, मुझे ए सेलेक्ट करनी है या मुझे फेस सेलेक्ट करनी है गैस। ठीक है, तो मुझे ये आप फेस सेलेक्ट करने, तो मैं फेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं बताता हूँ किस तरीके से ये सारे काम होते हैं, मैं इसको मूव करता हूँ और चलते हैं यहाँ से सीधा अपने पार्ट में। ये गाइस जो दिख रहे हैं आपके लिए, ये जो है एक ये है, ये है या ये है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, इनको हम पकड़ के यहाँ से, ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो गाइस ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ मेरा जो है स्नैप ऑन है इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सबसे पहले कंट्रोल अल्ट यू करते हैं गाइस यहाँ, और मैं क्या करता हूँ अपने इनपुट के लिए पहले एक बार रिसेट मार लेता हूँ, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो शिफ्ट के साथ इसे मूव करने लगूँगा मैं इसको। ठीक है, अभी आते हैं कंट्रोल यहाँ पर ओनली टैप से और चेक करते हैं, तो अब मेरा ये जो है मिडिल माउस से रोटेट होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा होगा, देखते होंगे आप लोग, और टैब से मेरा ये मूव होगा कंट्रोल टैब से। ठीक है, ये देखिए, तो ये गाइस मेरा वर्टेक्स है, मैं आया फिर कंट्रोल टैब में, मैंने लिया एज, तो मैंने ये गाइस एज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद गाइस आता है मेरा फेस, तो मैंने फेस सेलेक्ट करना है, तो ये मेरे पास फेस आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, फुल्ली, तो गाइस ये मेरा हो गया आपका बेसिक। अब मैं बताता हूँ आपको एडवांस, हल्के हल्के ही एडवांस लेके चलूँगा गाइस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और गाइस सेकंड ट्यूटोरियल में देखिए एक्सट्रूड कमांड किस तरीके से हम यूज करते हैं इसके अंदर।